स्टूडेंट्स, चलिए आज का नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं। देखिए, हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा तो पढ़ लिया, उसकी शो दैट वाले एग्जांपल्स भी पढ़ लिए। नहीं पढ़े हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं पीछे के। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अब है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम सबसे पहले देखते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। सेट ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड इन कैलकुलेशन, कोई स्टेप्स का जो सेट होता है उसको हम फॉलो करें किस में, कैलकुलेशन में, एंड रिपीटेड अंटिल डिजायर्ड रिजल्ट इज ऑब्टेंड। क्या कह रहा है, देखो डेफिनेशन है इंग्लिश में, सेट ऑफ स्टेप्स, सेट है स्टेप्स का जो हमें फॉलो करना है किस में, कैलकुलेशन में, और रिपीट करना है जब तक कि हमारा डिजायर्ड रिजल्ट, जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं आता। ये होता है एल्गोरिथम। ओके, अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। अनदर एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एक अनदर एप्लीकेशन है ये, एक उसी का भाग है, एक उसी की एप्लीकेशन है, एक यूक्लिड डिवीजन लेमा की। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्यों यूज होता है, किस चीज के लिए यूज होता है, टू फाइंड HCF, IE HCF मतलब हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे फाइंड करते हैं, चलो देखते हैं। स्टेप 1, फॉर ऑब्टेनिंग HCF ऑफ ए एंड बी, हम ए एंड बी मान लेते हैं, कोई भी हमारा जो डिवाइड करना है, जहाँ पर ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी, अप्लाइड यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो ए डिविडेंट होगा, बी डिवाइजर, और जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्यू क्वेशन आएगा और कुछ ना कुछ आर रिमाइंडर आएगा। जब तक आर जी जब जब आर की वैल्यू 0 आ जाती है, तब जो डिविजर है बी वो तो HCF होगा। आर की वैल्यू अगर 0 आ गई तो फिर जो बी है वो HCF होगा। यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो नेक्स्ट स्टेप में डिवाइजर जो है वो डिविडेंड में कन्वर्ट हो जाएगा और रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसी तरह से उसको आगे फिर सॉल्व करेंगे जब तक 0 नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। अब हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करना है और HCF फाइंड करना है। क्वेश्चन है, सबसे पहला सम 210 और 55, पहले सॉल्यूशन लिखिए। अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 210 एंड 55 वी गेट, पहले लाइन लिख लेंगे, फिर साइड में ये HCF कर लेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ताकि हमें आराम से सब पता चल जाए, कोई दिक्कत ना हो आंसर निकालने में। जैसे 255, 200 बड़ा है तो अंदर जाएगा और 55 छोटा है तो वो बाहर आएगा। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 45 आया, फिर 45 डिवीजर बन जाता है, और 1 किया 10 रिमाइंडर, फिर 10 डिवीजर बन जाता है 4 क्वेश्चन, और 5 रिमाइंडर, 5 बन जाता है 20 कहते। अब स्टेप्स में लिख लेते हैं। 210 इज इक्वल टू 55 × 3 प्लस 45, ऐसा कैसा ही लिखना है, कुछ नहीं करना है। फिर इसमें थोड़े स्टेप लिखने हैं, ये थोड़ा सा हमें याद करने ही होंगे ढंग से एग्जाम के लिए। सिंस द रिमाइंडर 45 आया, 0 नहीं है, वी अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू द डिविजर 55 एंड रिमाइंडर 45 टू गेट, वापस वही। अब इसको करेंगे आगे, हम चलेंगे 55, 55 इज इक्वल टू 45 × 1 प्लस 10, अभी भी 0 नहीं है। स्टेप 3, सिंस द रिमाइंडर 10, 10 आई रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, वी अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू द न्यू डिवीजर 45 एंड न्यू रिमाइंडर 10 टू गेट 45 इज इक्वल टू 10 × 4 प्लस 5। स्टेप 4, सिंस वापस डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 5 आया है इज नॉट इक्वल टू 0, वी अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू द न्यू डिवीजर 10 एंड न्यू रिमाइंडर 5 टू गेट। अब हमने 10 को 5 से किया तो 2 आ गया और प्लस 0, 0 हमारा रिमाइंडर आ चुका है, तो लास्ट में लिखेंगे द रिमाइंडर एट दिस स्टेज इज 0, सो द डिवीजर एट दिस स्टेज IE 5 इज द HCF ऑफ 210 एंड 55। जो भी लास्ट डिविजर होता है वही हमारा एक HCF होगा। जैसे इसमें डिवाइड में हमने देखा था कि ये लास्ट डिविजर था, यही HCF था। ओके, नेक्स्ट सम, सम सेकेंड, वही 420 एंड 130 डिवाइड करेंगे, 330 बचेगा, 30 को डिविजर बन जाएगा,
इसे डिवाइड करेंगे 120, 10 डिविजर, ये इधर 3 इधर 0, 420 बड़ा है, बड़ा अंदर ले लिया। अप्लाइंग यूक्लिड्स डिविजन लेमा टू 420 एंड 130 वी गेट स्टेप 1, 420 इज इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस 30, सिंस द रिमाइंडर 30 इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी अप्लाई द यूक्लिड डिविजन लेमा टू गेट 130 इज इक्वल टू 3, सॉरी 130 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 10। क्या हुआ, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, अब दोनों डिवाइड करेंगे क्वेश्चन और रिमाइंडर, रिमाइंडर फिर 10 आया, 0 नहीं आया, तो फिर आगे चलेंगे स्टेप 3, सिंस रिमाइंडर 10 इज नॉट इक्वल टू 0, सिंस रिमाइंडर 10 इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू गेट 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3। अब प्लस में क्या आ गया, 0 में मतलब सॉरी रिमाइंडर आ गया है 0, तो अब लास्ट में फिर वही लाइन लिखेंगे, द रिमाइंडर एट दिस स्टेज इज 0, सो द डिविजर एट दिस स्टेज आई ई डिविजर क्या है 30, 10 डिविजर है 10, आई ई 10 है, इज द एच सी एफ ऑफ 420 एंड 130। नेक्स्ट सम 3, 75 एंड 243, सिंस 243 इज ग्रेटर देन 75, अप्लाइंग यूक्लिड डिविजन लेमा टू 243 एंड 75, पहले डिवीजन डिवाइड कर लेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, 75 को 243 से करेंगे, 3 क्वेश्चन 18 रिमाइंडर डिवीजर बन गया, ये 4 72 3 आ गया, 6 और क्रॉस 0 आ गया। स्टेप 2, सिंस पहले स्टेप 1 करेंगे, 243 इज इक्वल टू 75 इंटू 3 प्लस 18, फिर नहीं आया, 0 नहीं है, आगे चलेंगे, सिंस रिमाइंडर 18 इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 75 एंड 18, डिवाइड करेंगे 75 इज इक्वल टू 18 इंटू 4 प्लस 3, फिर 0 नहीं आया, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप, सिंस रिमाइंडर 3 इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 18 एंड 3 टू गेट, फिर 18 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 प्लस 0, 0 आ गया है, तो लास्ट में लिख देंगे रिमाइंडर एट दिस स्टेज इज 0, सो द डिविजर एट दिस स्टेज आई ए 3, रिमाइंडर 0 आ गया और जो डिविजर है 3 वही हमारा क्या होगा, एच सी एफ होगा किसका, 75 एंड 243 का। सम नंबर 4, 135 एंड 225, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, तो 225 अंदर चला जाएगा और 135 से इसको डिवाइड करेंगे बाहर से, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 225 एंड 135, इसको डिवाइड कर लेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, 135 बन जाए 135, 90 रिमाइंडर रह गया, डिविजर बन गया 90 45 और 290 0 आ गया। लैंग्वेज में लिख लेंगे स्टेप्स में, 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, सिंस रिमाइंडर 90 इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी अप्लाई द यूक्लिड डिविजन लेमा टू 135 एंड 90, 135 is equal to 90 into 1 plus 45. Again, step 3, since remainder 45 is not equal to 0, so we apply the Euclid division lemma to 90 and 45 to get 90 is equal to 45 into 2 plus 0. अब 0 आ गया है, स्टेप्स खत्म, यहीं पर आंसर आ गया, तो डिविजर वो एच सी एफ क्या आया 45, द रिमाइंडर एट दिस स्टेज इज 0, सो द डिविजर एट दिस स्टेज आई ई 45 इज द एच सी एफ ऑफ 135 एंड 225। नेक्स्ट सम, सम नंबर 5, 196 एंड 38,220, सिंस 38,220 इज ग्रेटर देन 196,
अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 196 एंड 38,220। डिवाइड करेंगे 196 को तो सीधा एक बार में चला जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करके देख लो कि कब आ रहा है, 38,220 कब आ रहा है। तो 196 को 195 से सीधा लिखेंगे तो सीधा का सीधा ये आएगा और रिमाइंडर ज़ीरो। तो इसमें क्या करेंगे, स्टेप लिखेंगे वही 38,220 इक्वल टू 196 into 195 प्लस ज़ीरो। ज़ीरो आ गया, एक बार में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे द रिमाइंडर एट दिस स्टेज इज ज़ीरो, सो द डिविजर एट दिस स्टेज आई ई 196 इज द एस सी एफ ऑफ 196 एंड 38,220। मतलब एस सी एफ भी 196 ही आया क्योंकि डिविजर है लास्ट, यही है, ख़त्म हो गया यहाँ पर, आगे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, तो यही डिविजर हो गया, तो 196 ही एस सी एफ है। सम नंबर 6 करेंगे अब, 867 and 255। सिंस 867 इज ग्रेटर देन 255, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 867 and 255। डिवाइड करेंगे 3 से एक बार सीधा ही, डिवाइड करेंगे 255 को 867 से, थ्री क्वेश्चन रिमाइंडर आ गया, सॉरी किया रिमाइंडर आ गया, डिविजर बन गया, फिर 251 2 और यहाँ 0। स्टेप वन 867 इज इक्वल टू 255 into 3 और ये प्लस 102। स्टेप टू, सिंस रिमाइंडर 102 इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 225 and 102 टू गेट 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। स्टेप थ्री, रिमाइंडर फिर नहीं आया 0, सिंस रिमाइंडर 55 इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 102 and 51 टू गेट 102 इज इक्वल टू 51 into 2। यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया है तो 51 ही क्या होगा, एच सी एफ होगा। द रिमाइंडर एट दिस स्टेज इज 0, सो द डिविजर एट दिस स्टेज आई ई 51 इज द एच सी एफ ऑफ 867 and 255। ऐसे ही सॉल्व करते रहिए, आराम से अच्छे से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है, इफ एच सी एफ ऑफ नंबर्स 408 and 1032 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 1032x-408 into 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एच सी एफ इन नंबर्स का इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, कौन सी फॉर्म में, 1032x-408 into 5, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो हम 1032 और 408 को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, एच सी एफ निकालेंगे सबसे पहले, तभी x की वैल्यू निकलेगी, पहले एच सी एफ निकालेंगे, इक्वेशन में पुट करने के लिए एच सी एफ को एच सी एफ की वैल्यू पहले निकालेंगे, तभी x की वैल्यू आएगी। वही सेम तरीका, लॉन्ग डिविजन मेथड से डिवाइड करेंगे, एच सी एफ निकालेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे डिवाइड, सिंस ये बड़ा है ये छोटा है तो ये अंदर जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 1032 and 408। स्टेप वन, डिवाइड किया, जो क्वेश्चन था रिमाइंडर 216 ये डिविजर बन जाएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये डिविजर बन जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 192 रिमाइंडर, 0 नहीं आया, फिर वही ये लाइन ही आपको रट लेनी चाहिए, याद हो जानी चाहिए आराम से, एग्ज़ाम में भी हमें ऐसे ही लिखना है क्योंकि बाकी वैसे अपने आप आ ही जाएगी, नॉर्मल लाइन है। सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल 0, सो वी अप्लाई the Euclid division lemma to 216 and 192 to get 216 is equal to 192 into 1 plus 24. Next step, since remainder phase 0 nahi aaya, so we apply the Euclid division lemma to 192 and 24 to get 192 is equal to 24 into 8 plus 0। अब यहाँ पर 0 आ गया, ये divisor है 24, तो यही HCF होगा हमारा।
The remainder at this stage is 0. So the divisor at this stage, i.e. 24, is the HCF of 408 and 1032. अब क्या करेंगे, HCF तो निकाल लिया अपन ने, पर क्वेश्चन में HCF नहीं पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, x की वैल्यू निकालनी है और अपन को एक इक्वेशन दी हुई थी. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म, इस ये इक्वेशन थी. तो हम इसको फिर ऐसे इक्वेशन में लिख लेंगे, 24 इज इक्वल टू 1032 x माइनस 408 इंटू 5. ऐसे लिख लिया हमने इसी इक्वेशन में. अब आगे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ऐसे लिखने के बाद मल्टीप्लाई किया कितना आया, 2040 आ गया, 2014. अब क्या करेंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का, इसको इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा और ये इधर का इधर रह जाएगा एक्स वाली वैल्यू. और फिर ये प्लस करेंगे 2064, ये इधर है, इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे इधर, ये इधर आ जाएगा और x के इधर रह के इसको डिवाइड में कर लेंगे. ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, डिवाइड किया 2, यही x की वैल्यू थी, 2 आंसर आ गया. ठीक है, इजी था सम, कुछ भी नहीं था. HCF हमें पूछा, x की वैल्यू पूछी थी, पहले HCF निकाल लिया और जो फॉर्म दी हुई थी हमें इक्वेशन, इसके आगे हमने 24 इज इक्वल टू में कर लिया. सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे और x की वैल्यू आ गई 2. इसी के साथ हमारी 2.1 एक्सरसाइज खत्म होती है. थैंक यू.